आसमान पर दिखता सफेद स्मोक, ये ना तो धुंध है और ना ही कोहरा, बल्कि ये प्रदूषण की वो चादर है जिसमें जहर है। हवा में उड़ता ये जहर इतना खतरनाक है कि घर तक लोग सुरक्षित नहीं है। प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण जो है ज्यादातर आँखों में और शरीर में जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। गुरुग्राम सहित दिल्ली NCR के पानी का तो पता नहीं, मगर हवा जरूर बिगड़ गई है। ठंड अभी शुरू तक नहीं हुई, लेकिन दिल्ली NCR में धुंध के चलते देखना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली में ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के पहले और दूसरे चरण लागू है, लेकिन अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहा तो ग्रैप 3 लागू हो सकता है, और ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली वालों को नई बंदिशों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रैप 3 लागू हुआ तो लगेंगी ये पाबंदियां। दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन काम पर रोक लग जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ धूल से जुड़ी एक्टिविटी जैसे खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग पर रोक रहेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की कारों पर रोक रहेगी। स्टोन क्रशर, जॉन और खनन से जुड़े कामों पर होगा बैन। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगी। एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अपने आने वाले दिनों में खराब से बेहद खराब की श्रेणी में बना रहेगा। फिलहाल एयर क्वालिटी की हालत यह है कि दिल्ली हो या नोएडा, कमोबेश हर जगह सांस लेना दुश्वार है। स्मॉग के बीच सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दमघोटू हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। सांसों पर संकट के बीच लगने वाली ये पाबंदियां और परेशानी बढ़ाने वाली है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।